हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पे। कभी भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के पहले अपने डीप एनालिसिस कर लें और अपने ही रिस्क पे उसमें पोजीशन बनाएं। आशा करता हूँ आप सभी अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी जिस शेयर की हम एनालिसिस करेंगे वो है बैंक ऑफ इंडिया। मैं हंसा इसलिए क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देखिए, ठीक है, ये ऊपर से इतना नीचे गया है कि कोई हद नहीं है। मतलब 587 से अगर किसी ने अपनी पोजीशन यहाँ पे ली होगी, अगर ये सोच के कि ऊपर आएगा यहाँ पे एग्जिट नहीं की होगी, तो कितनी दुख की बात है। ठीक है, कभी भी आपके साथ ऐसा कभी भी हो, आपने एक छोटे ऊपर किसी भी शेयर में पोजीशन बना लिया और नीचे जा रहा है और काफ़ी नीचे गया गया है, 10% है नीचे ज़्यादा जाए, तो आप तुरंत उस पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, अगर वो बाद में ऊपर भी जाता है, ठीक है, तो 10% नीचे जाने के बाद, अगर बाद में 10-20% नीचे जाने के बाद ऊपर आता है तो बहुत टाइम लगाएगा, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग, अगर उसमें बहुत बड़ी खराब न्यूज़ होती है कोई, ठीक है, इसीलिए वो शेयर इतनी तेज़ नीचे जाता है, तो जब भी आपको वो पुल बैक करके ऊपर आया उसी समय अपनी एग्जिट कर दे पोजिशन। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखें और हमेशा डीप एनालिसिस करके ही अपनी भी किसी भी पोजीशन लें, और छोटा सा जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मिले वहाँ पे पोजीशन बनाए। तो ये जो शेयर है वो है बैंक ऑफ इंडिया, और मैं ये मंथली चार्ट लगा के रखा हूँ, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपको मैं नीचे दिखाता हूँ, ठीक है, सिंपल थिंग, ये देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक छोटा सा डब्लू पैटर्न आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक डब्लू पैटर्न बना के नीचे आया, फर्स्ट टाइम ऊपर गया, फर्स्ट टाइम में अपना पोजीशन बनाते नहीं है, फिर आया, फिर से ये ऊपर गया और ये जो लाइन थी इसको क्रॉस करके ऊपर गया, तो इसी ये जो लाइन थी पहले एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी, अभी क्या कर रही है, एज ए सपोर्ट एक्ट कर रही है। तो हमें क्या करना है, हमें पोजीशन लेने के लिए, ठीक है, अपना पोजीशन बनाने के लिए एक सही समय हो सकता है, क्योंकि ये देखिए 1, 2, 3, 4 मंथ कंटिन्यूअसली इसने दिया है, ठीक है, रिटर्न। उसके बाद यहाँ पे आया है और लास्ट टाइम जो भी ये रेजिस्टेंस जोन था वहीं से फिर से नीचे चला गया, फिर से 1-2 मंथ इसी रेंज में फंसा रहा, नीचे आया, फिर बायर्स इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश किए हैं, फिर सेलर्स आए हैं। सेलर्स आने के बाद आपको ये छोटा सा विक दिख रहा होगा, ये विक वो है कि जो इस सपोर्ट से, ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएं तो अभी देखिए फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस बार का जो कैंडल है, ठीक है, इस बार का जो कैंडल है वो इस कैंडल के सिमिलर है कि नहीं, और ये तो रेड था, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी जो 3 दिन 2 दिन बचे हैं ये ग्रीन में हो जाएगा कन्वर्ट। अगर ये ग्रीन में कन्वर्ट होता है तो ये ऐसा सिग्नल है कि यहाँ से मार्केट, ये जो बैंक ऑफ इंडिया है यहाँ से रिटर्न हो सकता है, मतलब ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, शेयर काफ़ी छोटा है 64 का, और यहाँ पे देखिए अपना स्टॉप लॉस, एक छोटा सा स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 62 रुपीज़ का, और अपनी यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। तो ये अर्ली पोजीशन होगा, क्योंकि अगर अर्ली पोजीशन हम बनाते हैं तो जब ये इस कैंडल का ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तो कंफर्म हो जाएगा कि ये ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम जो अपनी 50% क्वांटिटी होगी उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा, वेट करिए 1-2 दिन, अगर ये ग्रीन कैंडल में आज ही चेंज हो जाता है, ठीक है, और परसों, तो आप अपनी इसमें पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक छोटा सा कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा कि ये ऊपर जाएगा। यहाँ अभी भी सही समय है बनाने का, क्योंकि 1-2-3, ठीक है, 1-2-3-4 के बाद एक ग्रीन कैंडल बना था, 1-2-3 यहाँ पे स्पेस नहीं था, इसीलिए 3 के बाद ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है, और एक सही पोजीशन है जहाँ से ये क्या कर सकता है, बाउंस बैक दे सकता है ये स्टॉक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को चलिए हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं, और अभी हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट डे, सेकेंड डे, और ये कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, तो ये जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे 65 के आसपास था, तो यहाँ पे एक छोटा सा ये इसे रेजिस्टेंस मिल सकता है, जो कि मिलना नहीं चाहिए, ऐसे ऊपर निकल जाना चाहिए। तो आप अपनी यहाँ पे पोजीशन 62 रुपीज़ स्टॉप के लॉस के साथ बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आने वाले समय में क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर से ऐसे जाएगा, फिर से ऐसे करके, इतनी जल्दी तो ब्रेकआउट देगा नहीं, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा तो क्या है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगा के रखे हैं उसको होल्ड करके रखें, क्योंकि कभी भी शेयर जब इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास पेशेंस कम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जब इसके ऊपर ब्रेकआउट देंगे, जब ऐसे रिटेस्ट करके निकलेगा, तब अपनी पोजीशन बना सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आपको बनानी है उतनी, ठीक है। तो
ये कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या होता है कि एक छोटा सा ये जो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट था, ठीक है, ये 10 रुपये का टारगेट, ये 60 रुपये का तो शेयर है, इसमें से 10% से 15%, 12-13% का जो टारगेट है अपना चला जाएगा। उसके बाद भी अपने पास टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट 87 एंड सेकेंड टारगेट ये जो अभी का लेटेस्ट हाई बना रखा है 100 रुपये का वो। तो डिसीजन आपके ऊपर है, आप कहाँ पे अपना पोजीशन बनाने को रेडी हैं। ठीक है, दोनों जगह हम अपना पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा डर लगता है, आप कम रिस्क लेते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएं। यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगा जब ये ट्रेंड लाइन को फिर से रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा होगा उस समय। तो बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा शेयर दिख रहा है, काफ़ी सस्ते में अभी अवेलेबल है, तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है जिसमें हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया था, सेम यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेम आपको फॉर्म हो रहा है। ये गया ऊपर, ये फिर टच करके ये फिर से ऐसे ही ऊपर करके यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा। तो आप क्लियरली ये चीज़ दिख रही होगी, तो चार्ट हर चीज़ बता देता है। ठीक है, अगर मार्केट में कोई ख़राब न्यूज़ है तो वो भी हमें चार्ट पे पता चल जाता है, अगर गुड न्यूज़ है तो वो भी पता चल जाता है, तो प्राइस एक्शन हर चीज़ बताता है। तो यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन बना सकते हैं हम, तो देखिए और अपना पोजीशन बनाइए। काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस है, ठीक है, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ये रिटर्न होके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर 10 ट्रेड में अगर आपको 5 ट्रेड में भी लॉस होता है, 6 में भी लॉस होता है, अगर 4 में आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं मिनिमम 1:5 का तो कर ही रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आप एट लास्ट प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कहीं ऐसा ना हो आपको बाद में पछतावा हो कि इसमें मैंने एक पोजिशन बना ली होती तो अच्छा होता। ठीक है, तो ये था बैंक ऑफ इंडिया, इसमें पोजिशन बनाने के लिए मैं अपनी पोजिशन बनाऊंगा इसमें, और आप भी अपनी इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।